लड़ जी ना मर जी तू चीख मेरे ते पर सोच कर ले बारीक मेरे ते। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया और लोग इन्हें जाने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में तेजी से मशहूर हुए सिंगर काका की। दोस्तों काका के 3 गाने इतने पसंद किए जा रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं और इनके गानों पर लाखों टिकटॉकर्स और स्नैक वीडियोस बन चुकी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि काका का रंग काला है और ये इसलिए भी फेमस हो चुका है क्योंकि ये इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये बात तो सच है कि काका कुछ ही महीनों में करोड़ों दिलों पर छा गए, लेकिन सच ये भी है कि इन्होंने बहुत सी रिजेक्शंस का सामना भी किया है। इन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि इन्हें इनके आइडिया के लिए रिजेक्ट किया गया, आवाज़ के लिए रिजेक्ट किया गया, लो प्रपोजल में रिजेक्ट किया गया, बहुत सी जॉब्स में रिजेक्ट किया गया, चेहरे की वजह से रिजेक्शंस, कंपटीशन में रिजेक्ट किया गया, आर्ट में रिजेक्ट किया गया, यहाँ तक कि इनको सोशली मेंटली भी रिजेक्ट किया गया। लेकिन इतने सारे रिजेक्शंस के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि सिंगिंग इनका पैशन है और इन्होंने इस पैशन को कंटिन्यू रखा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों काका की पैदाइश 1994 में पटियाला के गांव के एक लो मिडिल क्लास फैमिली में हुई। काका की फैमिली में 6 लोग हैं, इनके मामा पापा के अलावा इनके बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है। काका का एक भतीजा भी है। काका के वालिद पेशे से एक मिस्त्री हैं जो कि चिनाई का काम करते हैं और काका के बड़े भाई एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं। अगर बात की जाए काका की क्वालिफिकेशन की तो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई गांव से ही की। मैट्रिक करने के बाद काका ने एक डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद इन्होंने राजपूत कॉलेज से बीटेक किया। काका कहते हैं कि जब बचपन में गाना गाया करते थे तो लोग इनकी आवाज़ की तारीफ करते थे, इनके लिए तालियां बजती थी, इसलिए सिंगिंग काका का शौक बन गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंगिंग काका का जुनून बनने लगा। जब वो स्कूल में थे तब वो स्कूल में होने वाले एनुअल फंक्शन में गाना गाया करते थे। काका को पढ़ना पसंद नहीं था पर फिर भी वो पढ़ाई में अच्छे थे। काका के पापा बताते हैं कि इनके बड़े भाई काफ़ी पढ़ते थे पर काका नहीं पढ़ते थे। काका की माँ डांटती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ता है, तुम भी पढ़ा करो। तब काका दूसरे बच्चों की तरह बोलते थे कि मेरी पढ़ाई की टेंशन ना लें, बस आप मेरी परसेंटेज देखना। और सच में वो थोड़ा पढ़कर अच्छे मार्क्स लेते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब वो कॉलेज पहुँचे तो इन्होंने वहीं सिंगिंग करना शुरू कर दी जो वो स्कूल में किया करते थे। कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में भी काका सिंगिंग करने लगे, जबकि काका के पापा को सिंगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि काका सिर्फ सिंगिंग में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अगर काका पढ़ाई में ध्यान दे और ज़्यादा टाइम दे तो काका अच्छे नंबर्स ले सकता है। काका के पापा ने कई दफ़ा सिंगिंग करने से मना भी किया और डांटा भी, लेकिन काका ने सिंगिंग करना ना छोड़ा। काका को ना सिर्फ गाने का शौक था बल्कि वो गाने लिखा भी करते थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग मुकम्मल की और जॉब ढूंढना शुरू कर दी। काका शुरू से अपना गाना लॉन्च करना चाहते थे पर गाना लॉन्च करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी और ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। काका ने जब जॉब ढूंढना शुरू की तो अपनी रंगत की वजह से काफ़ी रिजेक्शन हुई। इन्हें पहली जॉब चंडीगढ़ में मिली थी, इन्होंने काफ़ी जॉब्स की। जॉब्स करके जब इनके पास कुछ पैसे हो गए तो इन्होंने अपना पहला गाना लॉन्च किया। पहला गाना 2019 में नवंबर के महीने में आया था जिसका नाम है सुरमा गाना। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाया था, हालांकि इनके पहले गाने पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका पहला गाना सक्सेस पर नहीं था। इसके बाद 2020 में मार्च का लॉकडाउन लगा जिसमें इन्होंने जॉब छोड़ दी और वापस घर आ गए। काका के पापा ये बताते हैं कि काका तब घर के ऊपर वाले कमरे में रहता था जहाँ वो हारमोनियम के साथ सिंगिंग करता रहता था और गाने भी लिखता रहता था। काका ने इन्हीं दिनों एक गाना लिखा। गाना लिखकर काका ने घर से दूर जाकर सॉन्ग की वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर एक लोकल चैनल हनी रिकॉर्ड से गाना लॉन्च करने की बात कर दी। म्यूजिक कंपनी को इनका गाना पसंद आ गया और इन्होंने गाना लॉन्च करने की हामी भर ली। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को ये गाना लॉन्च हुआ जिसका नाम था कह लें दे। ये सॉन्ग रिलीज होते ही बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और इतना वायरल हुआ जिसकी इनको खुद भी उम्मीद नहीं थी। ये सॉन्ग कुछ ही घंटों में यूट्यूब का टॉप ट्रेंड बन गया। इस गाने से काका की पहचान बन गई। ये सॉन्ग हनी रिकॉर्ड से रिलीज हुआ था जिसको इन्होंने सिंगल ट्रैक स्टूडियो के नाम के चैनल को बेच दिया और इस तरह ये सॉन्ग 2 चैनल पर अपलोड है जिस पर 100 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। इस गाने के कुछ ही वक्त बाद इन्होंने 2 गाने और रिलीज़ किए, एक तीजी सीट और लिबास।
जिनमें लिबास पहले सॉन्ग से भी ज़्यादा मशहूर हुआ और ये सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज पर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद काका ने एक और सॉन्ग लॉन्च किया जिसका नाम था टेम्परेरी प्यार। जिस तरह काका को पहले दो सॉन्ग्स कह लेंदे और लिबास में प्यार मिला, इस तरह इस गाने से भी काका को बहुत शोहरत हासिल हुई। काका के 6 गानों में से 3 यूट्यूब पर ट्रेंडिंग रहे। जब टिकटॉकर्स और इंस्टा वगैरह पर काका की आवाज़ पर वीडियो बनी तो काका की आवाज़ मजीद मशहूर हो गई और देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में स्टार बन गए। जिसके बाद इन्हें बहुत सी कंपनी से ऑफर्स आईं, पर वो किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। वो बोलते हैं कि ना मैं अपने सॉन्ग्स बेचता हूँ और ना किसी का लिखा हुआ गाना गाता हूँ। दोस्तों, काका को शायरी करने का भी शौक है, जिसमें से कुछ इन्होंने अपलोड भी कर रखी हैं जिनमें वो अपने हालात भी बता रहे हैं। एक वक्त था जब काका के पापा काका को सिंगिंग नहीं करने देते थे, लेकिन अब काका के मशहूर होने के बाद लोग काका के पापा से मिलते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, जिस पर काका की फैमिली बहुत खुश है और अपने बेटे पर फख्र करने लगे हैं। काका जब लॉकडाउन में घर आकर गाना लिखते थे तो काका के पापा को ये लगता था कि काका बिल्कुल फ्री है और इनके पास कोई काम नहीं। और जब काका ने अपना पहला गाना रिलीज़ किया तब भी काका के पापा को कुछ पता नहीं था। जब ये सॉन्ग वायरल हुआ तब काका के रिश्तेदारों ने काका के पापा को फ़ोन करके बताया कि काका स्टार बन गया है। काका ने अपने पापा और अपना दोनों का ख्वाब पूरा किया। पापा के कहने पर इंजीनियर भी बने। काका मशहूर तो हो गए, लेकिन इन्हें इस दुनिया से कोई लगाव नहीं, बल्कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। काका को वर्कआउट करने का बहुत शौक है। काका खूबसूरत जगहों पर घूमना फिरना, टेनिस खेलना, फोटोग्राफी करना और बाइक चलाने का बहुत शौक रखते हैं। दोस्तों, काका की सच्ची कहानी से ये बात ज़ाहिर होती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, ना ही अपने रंग या बैकग्राउंड की वजह से कम्प्लेक्स का शिकार होना चाहिए, बल्कि दिल की लगन से और भी मेहनत करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।